दोस्तों आज बात होगी कुछ ऐसे धासू परफ्यूम्स की जिनकी खुशबू तो जरूर प्रीमियम है लेकिन कीमत बिल्कुल भी नहीं हाय गाइस वेलकम बैक दिस इज भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट तो फ्रेंड्स मैंने जिन परफ्यूम्स का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया वो रिवॉल्व ब्रांड की तरफ से हाल ही में लॉन्च की गई उनकी जर्नी कलेक्शन में से है अब ऐसे जर्नी कलेक्शन में उन्होंने बहुत सारे परफ्यूम्स को लॉन्च किया है बट मैंने उसमें से अपने जो टॉप फाइव है या जो बेस्ट फाइव है वो चूज़ किए हैं और मैंने सोचा है कि आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा अब हो सकता है कि आपने रिवॉल्व ब्रांड का नाम पहले सुन रखा हो या ये हो सकता है कि आपने उसका नाम ना भी सुन रखा हो बट समाओ मैंने इस ब्रांड को करीबन छः सात महीने पहले डिस्कवर किया था और इनके दो तीन परफ्यूम्स को यूज़ किया था जहां पर मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री उनका परफॉर्मेंस मिला था और रिस्पॉन्स जो था वो बहुत टिस्फैक्ट्री था अब इनका एक रिवॉल्व आता है जो पोलो ग्रीन का स्मेल है। so है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे सो इनके परफ्यूम्स की खुशबू की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रन थ्रू करवा देता हूं कि इनकी पैकेजिंग कैसी है या प्रेजेंटेशन कैसी है तो सबसे पहले बात करते हैं इनके एक्सक्लूसिव ब्लैक परफ्यूम के बारे में अब ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसके पहले स्प्रे पे ही आप इसके साथ प्यार कर बैठेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्मेल करता है या ये कहूँ कि ये बिल्कुल प्रीमियम परफ्यूम्स जैसा स्मेल करता है अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी नोट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको खट्टे तीखे स्पाइसी कहीं ना कहीं मीठे नोट्स और बैकग्राउंड में वेटेवर का भी हिंट मिलेगा अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रीमियम परफ्यूम जैसा स्मेल करता है तो मैं इस परफ्यूम को मेरे डिटेल्ड रिव्यू के लिए रिजर्व करके रखना चाहता हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं बिकॉज अगर अंडर अंडर फोर में चार से कम में आपको बहुत एक्सपेंसिव स्मेल करना है तो ये परफ्यूम आपके लिए एक राइट चॉइस है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ऑफिस और एक फॉर्मल वेयर है तो अगला बात कर लेते हैं इनके एनकोर परफ्यूम के बारे में अब ये भी मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्पाइसी एरोमेटिक लेमनी वुडी और मस्की टाइप सा परफ्यूम लगा ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा शार्प टाइप सा परफ्यूम है बहुत ही तेज टाइप सी खुशबू है और इसकी जो ठंडक है या जो इसका तीखापन है वो एंड तक बरकरार रहता है अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इस परफ्यूम को डेफिनेटली और स्ट्रांगली जिम के लिए रिकमेंड करूंगा बिकॉज जिम की हैवी स्वेटिंग को बहुत ईजीली ले लेता है और इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है एक्सेप्शनल है अब जब आप इसे जिम के अंदर लगाएंगे तो महसूस आप महसूस करेंगे कि अगर आप जिम के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाते हैं तो इसकी जो खुशबू का ट्रेल है जिसे हम सियाज भी बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी है अब जब आप कहीं जिम के अंदर खड़े होकर किसी के साथ बात भी कर रहे हैं आपके चले जाने के बाद भी आपकी जो खुशबू की प्रेजेंस है या जो आपकी प्रेजेंस है वो बहुत देर तक कायम रहती है और मोस्ट लाइकली बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी खुशबू के बारे में बात करें कहने का मतलब ये हुआ कि ये जिम में भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लेके देगा और अच्छी बात यह है इसकी जो पैकिंग है वो थर्टी एम के अंदर आती है राधर इस जर्नी कलेक्शन की जितनी भी पैकिंग है वो सारी की सारी थर्टी एम में आती है सो इट इज वेरी ईजी टू कैरी इन योर जिम बैग अगला बात कर लेते हैं इनके सुपीरियर परफ्यूम के बारे में अब हालांकि इसका नाम तो ज़रूर सुपीरियर है बट इन दिस होल लॉट ऑफ फाइव परफ्यूम्स मुझे इसने सबसे ज़्यादा कम इंप्रेस किया वो क्यों बिकॉज मुझे ये कुछ ऐसी एक्सेप्शनल खुशबू नहीं लगी बिकॉज अगर इसके डीएनए की बात करूं तो मुझे ये थोड़ा सा फॉग इंप्रेसिव और फॉग एक्सप्रेसिव जैसा लगा जहां पे बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि शार्प खुशबूएँ हैं स्पाइसी हैं और बहुत ज़्यादा तीखी टाइप सी खुशबू है तेज़ टाइप सी खुशबू है तो अगर आप तीखी या तेज खुशबू के फैन नहीं है तो यह परफ्यूम आपके लिए नहीं है पर यह परफ्यूम को मैं किन जगहों के लिए कौन से मौकों के लिए रिकमेंड करूंगा तो मेरे हिसाब से यह जो परफ्यूम है यह आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आपकी मार्केटिंग की जॉब है आपको दिन भर टू व्हीलर में या लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमना पड़ता है अपनी जॉब के कारण तो ये परफ्यूम उन सारी कंडीशन में अच्छा टिक जाता है आप कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके अंदर क्रिकेट है टेनिस है फुटबॉल है लाइक ऑल काइंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज के लिए यह परफ्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा है बट मतलब इसका ये है कि इन पांचों ऐसा नहीं है कि ये परफ्यूम बुरा है लेकिन इन पांचों परफ्यूम्स के अंदर अगर मैं इसको रैंक करूं तो शायद मैं भी इसके लिए मेरा जो रैंक है वो पांचवें नंबर पे होगा बिकॉज बाकी जो खुशबू हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्मेलिंग है अब अगला बात कर लेते हैं इनके बे ऑफ हवाना परफ्यूम के बारे में अब इस परफ्यूम का नाम सुनते ही कोई भी इंसान रोमांटिक हो सकता है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सेंश और मदमस्त करने वाली खुशबू है कौन सी ऐसी खुशबुएं हैं कौन से ऐसे नोट्स हैं जिनके मिलन से ये जो खुशबू है बहुत ज्यादा मधुर हो जाती है तो इसके अंदर सारे प्लेजेंट नोट्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि पचूली है एम्बर है सैंडलवुड है इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़े से मस्क के हिंट्स भी मिलेंगे अब इस खुशबू को जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही रोमांटिक टाइप से स्मेल करता है तो उसके चलते मैं इसको एज अ गुड डेटवेयर के तौर पर आपको रिकमेंड करूंगा तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी अच्छे आइलैंड पर लेकर जाइए वहां पे आप अपनी उस हर चीज का मजा लीजिए जो कि आपकी विश लिस्ट में बहुत देर से थी लास्टिंग की आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस परफ्यूम में नहीं बल्कि इस जर्नी कलेक्शन के अंदर जितने भी परफ्यूम्स है उसके अंदर किसी भी परफ्यूम में आपको लास्टिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सारे के सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आखिर में बात करते हैं मेरे फेवरेट परफ्यूम की जिसका नाम है क्यूबन टबैको अब इसका नाम सुनते ही आपको क्या लगता है कि इसकी खुशबू कैसी होगी अगर आपने गैस किया है कि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्मोकी होगी तो आपका गैस बिल्कुल सही है और आप जीतते हैं सात करोड़ काश ऐसा हो सकता लेकिन अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी खुशबू को मैंने रिजर्व किया है मेरे डिटेल्ड रिव्यू के लिए और इन पांच परफ्यूम्स में ये दूसरा एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं मेरे डिटेल्ड रिव्यू के लिए बचा के रखना चाहता हूं बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त टाइप सी खुशबू है मल्टी डायमेंशनल है मल्टी फेसेट है और ये भी क्लोन है एक बहुत ही ओल्ड स्कूल क्लासिक विंटेज परफ्यूम का या ये कहें कि एक डिज़ाइनर परफ्यूम का एंड सरप्राइजिंगली उस परफ्यूम के बारे में अभी कुछ देर पहले ही मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा भी है तो उस विश के चलते हुए मैं इसका एक डिटेल रिव्यू आपको डेफिनेटली करके बताऊंगा सो फ्रेंड्स अब एंड में अगर मैं आपको इन सारे परफ्यूम्स की कीमत की बात करूं तो ये एक जर्नी कलेक्शन के अंडर पूरी की पूरी सीरीज इन्होंने लॉन्च की है और इसकी जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो करीबन 30 एम के आसपास मिलती है और इनकी जो कीमत है वो है सिर्फ और सिर्फ थ्री हंड्रेड और लास्टिंग इनकी क्यों अच्छी है बिकॉज यहां पे टेक्निकली एक पॉइंट आता है कि जब भी क्वांटिटी कम रहती है तो कहीं ना कहीं उसमें जो परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है तो अगर आपको लगे कि आप कभी थर्टी एम या फिफ्टी एम के परफ्यूम्स खरीदना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्क फ्री टाइप का परचेज होता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो छोटी क्वांटिटी होती है तो अगर आपको बाई चांस वो परफ्यूम पसंद नहीं भी आता है तो आपके ज्यादा पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी आपको एक फैसला लेने में या डिसीजन बनाने में इजी हो जाएगा आसानी हो जाएगी अगर आपकी उसके फुल बॉटल लेना चाहते हैं हालांकि इनकी अभी तक फुल जो बॉटल है हंड्रेड एम की वो तो नहीं लॉन्च हुई है लेकिन कहीं ना कहीं ये थर्टी एम की जो बॉटल्स हैं वो एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जहां पे आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है और खुशबुएं भी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है सो so फ्रेंड्स ये रहा मेरा रिवॉल्व ब्रांड के जर्नी कलेक्शन के परफ्यूम्स का फीडबैक आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या आपने कभी पहले रिवॉल्व ब्रांड का नाम सुना है अगर सुना है तो बताइए कब सुना है यहाँ आपके आप इनके किन परफ्यूम्स को यूज़ करते हैं पहले उसका नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अगले वीडियो तक महकते रहिए मुस्कुराते रहिए एंटे नेक्स्ट टाइम एंजॉय लाइफ टेक केयर